नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस दो से तीन कैंडिडेट्स ने और ने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है तो यहाँ पर जो भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो ये तीन कैंडिडेट्स हैं जिनका भी इंटरव्यू हुआ है जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है इनसे एच में सिर्फ और सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन और फैमिली बैकग्राउंड बस ये पूछा गया है और बाकी ऐसा सच कुछ भी नहीं पूछा गया है आईपीआर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया मेनली फोकस किया गया है टेक्निकल पर और इसके साथ साथ बी में जो भी आपका बी बी टेक था उसमें जो भी आपका प्रोजेक्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए गए और सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चंस किए गए तो ऑलमोस्ट हमने सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिए हैं अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल का और आपका टेक्सटाइल का और इसके साथ साथ आपका बायो का इसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं आया अगर आप इस ब्रांच से बिलोंग करते हैं आपने इस ब्रांच से अप्लाई किया हुआ है और आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नाइन एट सिक्स जीरो नाइन सिक्स सिक्स नाइन सेवन फोर पर शेयर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए देखिए तीन अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है उन्होंने सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन मुझसे शेयर किए हैं जो भी उनसे पूछे गए हैं तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है इनसे पूछा गया है जीनर ब्रेकडाउन वर्सेस एवलांचे ब्रेकडाउन ये क्या होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप स्टेट डाइग्राम अच्छा एक चीज़ और आपको बता देता हूँ बहुत सारे ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू हुआ है इनसे कई सारे डायग्राम्स ड्रॉ करवाए गए हैं डायग्राम्स ड्रॉ करवाए गए हैं इसके अलावा कुछ कुछ इक्वेशंस पूछी गई हैं वो इक्वेशंस भी आपको इन्होंने पेपर में लिखने को बोला है एस आर फ्लिप फ्लॉप स्टेट डाइग्राम इनसे पूछा गया वाई माइक्रो प्रोसेसर नॉट मिनी प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर क्यों यूज़ करते हैं मिनी प्रोसेसर क्यों नहीं बोलते हैं या मिनी प्रोसेसर क्यों नहीं यूज़ करते हैं डायोर्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा गया उसके प्रैक्टिस और उसके आइडियल वन एज कॉम्प्लीमेंट एंड टू एज कॉम्प्लीमेंट तो ये कैंडिडेट्स थे जिनसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए हैं

हाउ मकैनिकल सिग्नल कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल विद एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल के साथ बताइए मकैनिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एक्स और एंड एक्स नॉर गेट एक्स नॉर और एक्स और गेट में डिफरेंस बताइए एग्जाम्पल के साथ इवन पेरिटी एंड ऑड पेरिटी ये क्या होता है इवन पेरिटी और ऑड पैरिटी डिफरेंस असिनक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर विद एग्ज़ाम्पल एस आर ए एम एस रैम और डी रैम इसके बीच में आपका इनसे डिफरेंस पूछा गया है वॉट इज हमिंग कोड हमिंग कोड क्या होता है मल्टीमीटर क्या होता है मल्टीमीटर के बारे में पूछा गया है एक्सप्लेन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल विद एग्जाम्पल एंड इसके साथ साथ उसके एडवांटेज पूछे गए और इसके डिसएडवांटेज तो मतलब कि एनालॉग सिग्नल पूछा गया और डिजिटल सिग्नल पूछा गया इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि ये वर्किंग है तो इनसे पूछा गया है व्हाट इज योर सैलरी

एक क्वेश्चन इनसे पूछा गया डी और ए का इसके बाद इनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया वाई वी यूजेस शिफ्ट रजिस्टर एंड टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स शिफ्ट रजिस्टर का यूज क्यों करते हैं और इसके टाइप्स बताइए टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स तो ये दूसरे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया जो इनसे क्वेश्चन पूछे गए तो इनसे आई का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया टाइप्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन और एक एच का क्वेश्चन और ये जो कैंडिडेट थे जो पहले इनसे आई का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है इनसे एचआर में बस इंट्रोडक्शन हुआ था और इनका फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया बाकी ये इनसे पाँच छः कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए अब ये एक और कैंडिडेट थे इन्होंने भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है इनसे देखिए क्या पूछा गया एक तो इनसे पूछा गया है बीई का जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में इनसे समझा गया इसके अलावा आरएलसी पूछा गया एक्टिव और पैसिव साइनस सिग्नल और इसका एवरेज कैसे फाइंड करते हैं ये बताइए इंटीग्रेशन साइन ए ये पूछा गया वोल्ट मीटर अमीटर गैल्वेनोमीटर मतलब बेसिकली जो टर्म्स होते हैं आपके यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर वोल्ट मीटर अमीटर मल्टीमीटर गैल्वेनोमीटर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए क्रिस्टल क्वार्ट्स ये क्या होता है पैसिव एंड एक्टिव सेंसर पैसिव एंड एक्टिव सेंसर डायोड टू ट्रांजिस्टर मेकिंग एंड करंट फ्लो इसका करंट फ्लो भी बताइए माइक्रोप्रोसेसर एंड मिनी कंट्रोलर में डिफरेंस बताइए क्या होता है माइक्रोप्रोसेसर और मिनी कंट्रोलर स्विच सप्लाई टू पिन एंड थ्री पिन इसके बारे में पूछा गया पावर क्या होता है इनसे पूछा गया पावर क्या होता है ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया है ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया है और इसके साथ साथ टू कैपेसिटर ई आर एंड ई ओ इन पैरल देन फाइंड करिए उसकी एवरेज वैल्यू तो ये इनसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है क्योंकि जैसा का जैसा कैंडिडेट्स ने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया है ऐसा का ऐसा ही मैसेज मैंने यहाँ पर आपका पेस्ट कर दिया तो अगर कहीं पर किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा ठीक है तो ये क्वेश्चंस आपके टेक्निकल में पूछे गए हैं ऑलमोस्ट इसके पहले भी मैं शायद एक या दो वीडियोस आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑलरेडी दे चुका हूं लेकिन अभी कल मैसेज आया कुछ कैंडिडेट्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरव्यू है शायद ट्वेंटी थर्ड और ट्वेंटी फोर्थ को तो उन्होंने बोला अगर आपके पास और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरव्यू किसी का एक्सपीरियंस है आप शेयर कर सकते हैं तो आप प्लीज़ उसको कर दीजिए तो मुझे लगा चलो ठीक है तीन चार दिन बाद आपका इंटरव्यू है तो दो तीन और कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर दिया तो फिर इसलिए मुझे लगा कि चलो शेयर करना चाहिए मैंने कर दिया है अभी मैं आपको बोल रहा हूँ अभी तक मेरे पास इलेक्ट्रिकल का कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं आया है बायोकेमिस्ट्री का भी कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं आया है इसके साथ साथ टेक्सटाइल का भी कोई भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस नहीं आया अगर आपने इंटरव्यू दे दिया है और इस ब्रांच से आपने अप्लाई किया हुआ है आपने इंटरव्यू दे दिया और आप चाहते हैं आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर नाइन एट सिक्स जीरो नाइन सिक्स सिक्स नाइन सेवन फोर पर शेयर कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ और बहुत क्वेरी आ रही है कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसकी नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आने के चांसेस हैं तो बहुत सारी क्वेरी आई थी रिजल्ट को लेकर एक रिजल्ट और दूसरा आपका रिजल्ट लेटर को लेकर के तो रिजल्ट लेटर का कल फिर कुछ अपडेट हुआ है कैंडिडेट्स का उनका वहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू करके आ गया अब इसके पीछे का क्या रीज़न है मुझे नहीं मालूम है आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एन ही बता पाएगा और मुझे नहीं लगता कि एन बताएगा भी तो ये कल अपडेट हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स का सबका ये नॉट क्वालिफाइड हुआ सबका तो नहीं मतलब कई सारे कैंडिडेट्स का हुआ है तो इसके लिए आपको अगर कोई भी इशू आ रहा है आप प्लीज़ एन को ही कांटेक्ट कर लीजिए अब दूसरी बात आती है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा पहली चीज़ आप ये मान के चलिए ये जो लास्ट इंटरव्यू है ये है आपका सत्ताईस अप्रैल दो को देखिए कॉपीज़ ऑलरेडी चेक हो चुकी हैं कॉपीज़ चेक हो चुकी हैं अब टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं तो आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू सत्ताईस अप्रैल को ख़त्म होगा हार्डली पंद्रह दिन के अंदर अंदर ये आपको रिज़ल्ट दे देंगे फाइनल रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आपको ये दे देंगे आप मान के चलिए कि पंद्रह से बीस मई तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट आने के बाद फिर ये आपसे डेटा शेयर करेंगे जैसे कि प्रीलिम्स का कट ऑफ प्रीलिम्स का कट ऑफ मेन्स का कट ऑफ पेपर वन प्लस पेपर टू पेपर वन का भी शेयर करेंगे पेपर टू का भी शेयर करेंगे इसका भी कट ऑफ ये सब आपका रिजल्ट आने के बाद ये एन शेयर करता है पहले नहीं शेयर करता तो उसके बाद में ये सारी चीज़ें शेयर करी जाएंगी और उसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कितने कैंडिडेट्स अपियर हुए कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया मेंस में कितने अपीयर हुए प्रीलिम्स में कितने अपीयर हुए इस सारी ऑलरेडी पहले बता चुके हैं पर और डिटेल में ये रिजल्ट जब आपका आ जाएगा फाइनल रिजल्ट उसके बाद ही ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे और कोई जानकारी चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग